जन आंदोलन के महानायक काशीराम साहब की पवित्र जन्मभूमि पर आज आपके बीच में आकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज जो ये कार्यक्रम साहब कांशीराम जी के शहीदी दिवस पर उनके जन्म स्थान उनकी जन्मभूमि पर आयोजित किया गया है, मुझे लगता है पहली बार इस तरह का कार्यक्रम उनका जो वास्तविक शहीदी दिवस है 8 अक्टूबर उसको आयोजित किया जा रहा है। आप में से बहुत लोग काशीराम साहब के बहुत करीबी साथी रहे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, पंजाब में या यूपी में या देश के अन्य कोनों में काशीराम साहब के साथ इस बहुजन मूवमेंट को तेजी से आगे बढ़ाया। तो काशीराम साहब कितने महान थे, कितने गुणी थे, उनकी तारीफ करना सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है। अब उस सूरज को हम क्या दिया दिखाएंगे, इतनी महान शख्सियत, इतना महान व्यक्तित्व जो हजारों साल की हमारे समाज की गुलामी थी उसको हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुओं ने, संतों ने अपने अपने समय पर देश के अलग अलग कोनों में आगे बढ़ाया। महाराष्ट्र में जन्मे महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, केरल में जन्मे नारायणा गुरुदेव, तमिलनाडु की धरती पर जन्मे पेरियार साहब, महाराष्ट्र में जन्मे बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाकर हमारे समाज के लोगों को एक वोट कर अधिकार देकर उनको संसद में, संसद के अंदर जाने का रास्ता खोला। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम क्या पढ़ते हैं कि काशीराम साहब, बाबा साहब के जाने के बाद उनका जो आंदोलन था, उनकी जो मूवमेंट थी, वो पूरी मूवमेंट धराशायी हो गई थी। उनके सारे लेफ्टिनेंट बिखर गए थे, हमारा समाज फिर से अनाथ हो गया था, हमारी राजनीति ध्वस्त हो गई थी और हमारा समाज सड़क पर आ गया था। तो ऐसे दौर में काशीराम साहब हमारे बीच में एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद, एक नया सपना, एक नया संकल्प लेकर हमारे बीच में आए और देखते ही देखते इस देश में एक ऐसी बहुजन लहर उठी कि जो समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, अकलीत समाज नाउम्मीद हो गया था, निराश हो गया था, छिन्न भिन्न हो गया था, बिखर गया था, उस समाज को काशीराम साहब ने एक सिरे से बटोरना शुरू किया और देखते ही देखते उनको बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके, संगठित करके, उनकी ताकत बना के उनको इस देश की एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बना दिया।
अगर आप इस देश के इतिहास को उठाकर देखें तो जो समाज जिसको हम दलित समाज बोलते हैं, इनका इतिहास गुलामी का इतिहास रहा है, इनका इतिहास तकलीफों का इतिहास रहा है। ये वो समाज है, दलित समाज, जो पिछले 2000 सालों में इतिहास अगर हम पढ़ें तो ये इतिहास के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि दलित समाज कभी भी इस देश के स्तर पर, नेशनल लेवल पर इकट्ठा नहीं हो पाया। पिछले 2000 साल में ये दलित समाज राष्ट्रीय स्तर पर कभी इकट्ठा नहीं हो पाया। कांशीराम साहब इस देश के इतिहास की पहली शख्सियत है, पहली शख्सियत। ये दलित समाज जो है सबसे दबा कुचला समाज, सबसे ज्यादा गिराया गया समाज, ये पहली बार इतिहास में कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात, पूरे देश में एक ताकत के साथ संगठित होकर सामने आए और उस संगठन के माध्यम से वो हुक्मरान भी बनने लगा, विधायक भी बनने लगा, सांसद भी बनने लगा। सांसद तो पहले भी बनते थे, मुख्यमंत्री पहले भी बनते थे दलित समाज से, लेकिन वो दूसरों की ताकत पे बनते थे, दूसरे की ताकत पे। अभी देख रहे हैं पंजाब में एक दलित समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है कि दूसरों ने बनाया है, वो अपनी ताकत का मुख्यमंत्री नहीं है। तो दूसरे की ताकत पे मुख्यमंत्री बनना या सांसद बनना या विधायक बनना ये बड़ी छोटी बात है, आसान बात है। तो कांशीराम साहब ने अपनी ताकत के बल पर अपने विधायक, अपने सांसद, अपने मंत्री, अपने मुख्यमंत्री बनाए, और यह बात अपने आप में कोई सोच भी नहीं सकता था कि दलित लोग, पिछड़े लोग अपनी ताकत के बल पर सरकारें बनाएंगे। लेकिन हम क्या देखते हैं, आज से 15 साल पहले 8 अक्टूबर 2006 को, ये 8 अक्टूबर 2006 का दिन है जब कांशीराम साहब को, हमारे मसीहा को, कुछ गद्दारों की साजिश से हमसे छीन लिया गया। जिन गद्दारों को मनुवाद के हाथ में खेलने की बड़ी चाहत थी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की चाहत थी, उनके हाथों से कांशीराम साहब एक साजिश का शिकार हुए और हमारे बीच में नहीं रहे। और उसका क्या नतीजा हुआ साथियों, इसका क्या नतीजा हुआ कि अगर हम पिछले 15 साल का इतिहास देखें, 8 अक्टूबर 2006 से आज 8 अक्टूबर 2021 है, जो हमारा समाज है, हमारा संगठन है, हमारा आंदोलन है, हमारी पार्टी है, वो आज मनुवादियों के चंगुल में फंस चुकी है। कांशीराम साहब ने जो ध्यान है, एक भाषण में बोला था, एक इंटरव्यू में बोला था कि जिस दिन हम ताकत से बढ़ के सामने आएंगे, कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियां छोटी छोटी पार्टी बनके रह जाएंगी और हम फुल मेजोरिटी से इस देश की शासन सत्ता को चलाएंगे। ये बात उन्होंने एक मैगजीन को इंटरव्यू में बोली थी और वो अपना सपना साकार करने के बहुत करीब ही पहुंच चुके थे, लेकिन उनके साथ छल हो गया और उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। और उसका नतीजा है पिछले 15 साल का इतिहास हम देखे बहुजन आंदोलन का, हमारा पूरा आंदोलन छिन्न भिन्न हो गया।
जिस पार्टी को उन्होंने अपने जीते जी मात्र 12 साल की छोटी सी अवधि में एक राष्ट्रीय पार्टी बनाया था, आज वो पार्टी बिल्कुल ध्वस्त होकर पड़ी है। तो ब्राह्मणवाद के मनुवाद के हाथों में चंगुल में फंस के आज उस पार्टी का सत्यानाश हो चुका है। जिस संसद पे कब्जा करने का, अपने लोगों को वहां पहुंचाने का सपना काशीराम जी ने देखा था, वो सपना आज ध्वस्त हो चुका है। आज उस संसद पर आरएसएस का, भाजपा का, मनुवादियों का पूरा कब्जा हो चुका है। जो कानून वो चाहते हैं उस कानून को पास कराते हैं। हमारे समाज में आज वही स्थिति हो गई है जो बाबा साहब के जाने के बाद हम लोग, हमारा समाज जिस निराशा की स्थिति में था आज उसी हालत में पहुंच चुका है। तो साथियों, ये हमारे लिए बहुत सोचने की बात है, चिंतन मनन करने की बात है, विश्लेषण करने की बात है कि हमें उनके सपने को कैसे साकार करना है, उनके सपने को कैसे साकार करना है कि हम जो उनके अनुयायी हैं, देश भर में लाखों करोड़ों की संख्या में जो हम उनके अनुयायी हैं, उनको ये सोचना है कि क्या हमें पीठ दिखाकर भाग जाना है या हमें गद्दारों का और मनुवादियों का मुकाबला करना है। ये धरती है, काशीराम साहब की धरती है, ये धरती है महान गुरुओं की धरती है, इसी धरती से आज 10-15 किलोमीटर आगे एक गुरुद्वारा है, बिछोड़ा साहब, परिवार बिछोड़ा साहब। आज से लगभग 8-9 साल पहले हम साइकिल यात्रा ले काशीराम संदेश यात्रा लेकर इधर आए थे, मैं और मेरे 50-60 साथी, 3000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा हम लोगों ने की थी। 15 मार्च 2013 को उसका समापन हुआ था बुंगा साहब में, उनकी जन्मभूमि पर जहां वो पैदा हुए थे। तो ये उन गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या बोला था, आप पंजाब के लोग ज्यादा अच्छा जानते हैं, जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, सूरत पहचानिए जे लड़े दीन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे तब उन्होंने छोड़े खेत। ये आंदोलन, बहुजन आंदोलन, हमारे महापुरुषों का आंदोलन है। आप पढ़ते होंगे कि बहुत से नेता जो बीएसपी के हैं या तो ब्राह्मणवाद से समझौता करके बैठे हैं या दूसरी पार्टियों में भाग रहे हैं एमपी एमएलए मिनिस्टर बनने के लिए, या मनुवादी पार्टियों में पड़े हुए हैं, जा रहे हैं उनमें। लेकिन मैं और हमारे लाखों साथी काशीराम जी के सच्चे अनुयायी, इस देश में उन्होंने तहिया किया है कि हम दूसरी पार्टी नहीं बनाएंगे, हम मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे, चाहे हमारी जान जाए, बड़े से बड़ा नुकसान हो, हम ये खेत छोड़ के नहीं जाएंगे। बहुजन आंदोलन हमारे महापुरुषों का खेत, हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। जो भी कौम के गद्दार हैं, जो भी साजिश करने वाले हैं, जिन्होंने साहब काशीराम को धोखा दिया है, उनके लाखों अनुयायियों को धोखा दिया है, करोड़ों के बहुजन समाज को धोखा दिया है, हम उनसे मुकाबला करके ये पार्टी, ये आंदोलन को उनके हाथ से छीन कर, उनके हाथों से छीन कर दोबारा जो उनके सच्चे अनुयायी हैं उनके हाथों में देंगे, ये हमारा संकल्प है। और आज ये संकल्प उनके शहीदी दिवस पर उनकी धरती से, उनकी जन्मभूमि से, आज मैं पूरे देश के जो काशीराम जी के लाखों करोड़ों अनुयायी है उनकी तरफ से आज मैं ये तैयार कर रहा हूं। और जो हमारा आंदोलन
जो बहुजन आंदोलन आज चौराहे पे खड़ा है, छिन्न भिन्न होता नजर आ रहा है, इसको दोबारा इकट्ठा करना, इसको दोबारा एक ताकत बनाना और कांशीराम साहब के सपनों को पूरा करना, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है और इसको पूरा करने के लिए हमें तैयार रहना है। ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। तो इसीलिए साथियों, जो बहुजन पार्लियामेंट का जो एक कॉन्सेप्ट है कि जो असली पार्लियामेंट है, जो बाबा साहब इसकी तरफ इशारा करके बोलते हैं कि भाई इस मंदिर, सत्ता के मंदिर पे आपको कब्जा करना है, तो बाबा साहब ने तो इशारा किया, काशीराम साहब ने हमको वहां तक पहुंचाया, लेकिन आज उस संसद पर मनुवादियों का, आरएसएस का, ब्राह्मणवाद का कब्जा है, हो चुका है। तो ये बहुजन पार्लियामेंट आयोजित करने का जो उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है कि उस संसद पे कब्जा करने के लिए, उस संसद पर कांशीराम साहब के आंदोलन के माध्यम से चलकर वहां पहुंचने के लिए जो हमें नई पीढ़ी को तैयार करना है, नए नेता तैयार करने हैं, नए मिशनरी तैयार करने हैं, तो इस बहुजन पार्लियामेंट के माध्यम से हम अपने युवाओं को, अपने बच्चों को, उनको तैयार करेंगे कि पार्लियामेंट क्या होती है, पार्लियामेंट कैसे चलती है, पार्लियामेंट में क्यों जाना चाहिए, पार्लियामेंट में कैसे जाया जाता है, ये सब बातें हम बहुजन पार्लियामेंट के माध्यम से अपने देश के जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, जो आज अंधेरे में है, जो आज उनकी शिक्षा छिन गई है, उनके रोजगार छिन गए हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं, तो उसको, उस पीढ़ी को तैयार करने के लिए ये बहुजन पार्लियामेंट का जो पहला इजलास काशीराम साहब की धरती पर किया जा रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, सालों में हमारे साथी जो पंजाब के साथी हैं, काशीराम साहब के अनुयायी हैं, ये पंजाब के हर जिले में, हर विधानसभा में इस तरह के बहुजन पार्लियामेंट का इजलास करेंगे, वहां अपने नए लड़कों को, नए लड़कियों को, नए बच्चों को एक एमपी की तरह अपने आप को महसूस करने का, एक सांसद की तरह महसूस करने का मौका देंगे, ताकि उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, हम भी सांसद बन सकते हैं, हम भी सवाल पूछ सकते हैं, हम भी देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज कर सकते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान करे, और एक नई पीढ़ी जो हमें काशीराम साहब के रास्ते पर चलकर एक नया नेतृत्व जो हमें बनाना है, उसके लिए ये बहुजन पार्लियामेंट जो है एक बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत सटीक रास्ता है, बहुत ऐतिहासिक रास्ता है, इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे साथी, हमारा जो मजदूर किसान दलित फ्रंट है, नरेगा वर्कर है फ्रंट है, या और हमारे साथी जो कांशीराम साहब के आंदोलन के हिसाब से चल रहे हैं, तो उनके सपने को पूरा करने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए पंजाब का जो भी दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, अकलीत समाज है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इतना बड़ा मसीहा जो आपकी धरती में पैदा हुआ है, उसका आंदोलन मरना नहीं चाहिए, उसका आंदोलन आगे बढ़ता रहना चाहिए, और जब तक वो मंजिल हमें ना मिले तब तक हमको चैन से नहीं बैठना है। साथियों, एक छोटी सी बात, मैं आपके बीच में, मैं यूपी से आया हूँ, मैं भी उन लोगों में से हूँ जो कांशीराम साहब के, उनका जो हुनर था, उनकी जो ताकत थी, उनका जो त्याग था, तो मेरे जैसे एक अदने आदमी को भी संसद में पहुंचने का मौका मिला, तो उस हैसियत से जो मेरा एक अनुभव है, मैं चाहता हूं कि उस अनुभव को आपके साथ बांटूं, तो वो बात मैंने आपके बीच में रखी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और काशीराम साहब की जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए आप तन मन धन से अपना योगदान करेंगे। इसी के साथ मेरी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम।